हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी बाइट में आप सबका वेलकम है। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स आज मैं आलू और शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स इधर मैंने आलू 400 ग्राम के करीब छील के मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, और शिमला मिर्च को भी वॉश करके हमने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, और इधर एक बड़ा मीडियम साइज का प्याज लेके बारीक काट लिया, दो हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हम लंबी लंबी काट लिए हैं टुकड़ों में, और इधर हमने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए, और एक बड़ा टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया तो एक छोटी चम्मच जीरा हमने डाल दिया है, उसके बाद एक पिंच हींग डाल के हम इसको गोल्डन होने तक, लाल होने तक भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें जो प्याज कट करके रखे थे वो डाल देते हैं। प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसमें हरी मिर्च को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इधर मैंने हरी मिर्च और अदरक को भी डाल दिया है, इसको भी थोड़ा सा हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद जो हमने आलू कट करके रखे हैं उसको इसमें हम डाल देंगे। इधर हमने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, उसको भी चला देते हैं। चलाने के बाद आलू को हम डाल देते हैं और अच्छे से चला देंगे। फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगती है आप ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ, दूसरे हाथ से काम करती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिला दिया है ताकि हमारे आलू जल्दी से गल जाएँ, और हम ये इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट तक के। 5 मिनट बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया है, हम दोबारा से इसको चला देते हैं। अभी हमारा आलू थोड़ा बहुत ही पका है, ज़्यादा पका नहीं है, तो हम इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे। ऐसे 5-5 मिनट में हम 2-3 बार चेक करेंगे और आलू को चला देंगे ताकि हमारे आलू जल्दी से पक जाएं। फ्रेंड्स ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है क्योंकि इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं होता है, ये अपने ही भाप में बन जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स करके चला देंगे। चलाने के बाद हम इसको दोबारा से कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने दोबारा से कवर कर लिया। फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे वीडियोस में व्यूज बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर एक दिन व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम 5 मिनट हो गए दोबारा चेक कर रहे हैं, तो मेरे आलू अच्छे से पक गए हैं, थोड़ा बहुत कसर रह गया है। तो इसी स्टेज पे हम शिमला मिर्च जो कट करके रखे हैं उसको मिला देंगे। हम शिमला मिर्च को पहले आलू के साथ नहीं डालते हैं, नहीं तो शिमला मिर्च हमारी जल्दी पक जाती है तो शिमला मिर्च का पता नहीं चलता है आलू में। और ये हमने 2-3 मिनट के लिए इसको भी कवर करके छोड़ दिया था, अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये चला देते हैं, अभी हमारी शिमला मिर्च बहुत कम सॉफ्ट हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से चला दिया है, तो हम इसको 2-3 मिनट के लिए और ही जो है कवर करके छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और उसके बाद हम फिर से इसको चेक करके, और ये हम टमाटर इस स्टेज पे डाल दिए और अच्छे से मिला देंगे, और इसमें जो हमारा नमक हमने पहले थोड़ा सा ही डाला था तो उसी स्वादानुसार के अनुसार हमें जितना नमक कम लग रहा है हम थोड़ा सा और डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल रखा था। और आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पे गरम मसाला भी डाल देते हैं, और इसको भी अच्छे से चला देते हैं। चला के हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स हम इसको ढक देते हैं। सब्जी ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स, 2 की जगह आप 4-4 रोटी खा जाएंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऑलमोस्ट हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, अब हम इसमें बारीक हरा धनिया कट करके डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। हमारी सब्जी रेडी हो गई है, और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स
आप लोग ये सब्जी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से। फ्रेंड्स, एक बार ये सब्जी आप ज़रूर बनाइएगा और अपने फैमिली के साथ खाइएगा और आनंद लीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।